कोरोना के मरीजों की संख्या क्या बढ़ी, ऑक्सीजन की कमी से सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों की सांसें फूल रही हैं। हालात यह है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें तक जा रही हैं। ऐसे में अब सीतापुर के जिला व महिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए नगर पालिका परिषद सीतापुर के चेयरमैन पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल ने DM को खत लिखा है। इसके जरिए उन्होंने 14वें वित्त आयोग की निधि से 5 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना कराने का आग्रह किया है, जिससे कि जनता को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि दूसरी वेव में कोरोना जानलेवा बन गई है। कोरोना संक्रमण के चलते बहुतायत की संख्या में लोग चपेट में हैं, पर सरकारी और निजी अस्पतालों में संक्रमित मरीजों को ना तो बेड मिल रहे हैं और ना ही इलाज मिल रहा है। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की तड़प तड़प कर जाने जा रही हैं। यही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए शवदाह में स्थलों पर लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं, जिस कारण जनता को कोरोना काल में काफ़ी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। इसे देखते हुए सीतापुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल ने जिलाधिकारी विशाल भरद्वाज को पत्र लिखा। इसके माध्यम से उन्होंने जिला अस्पताल में 3 व जिला महिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कराए जाने का आग्रह किया है। इस कार्य में पालिका में मुहैया 14वें वित्त आयोग की निधि से किया जाए, जिससे कि जनता को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।